हाँ जी, देखिए बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिचुएशन क्लॉजेस क्या है ये डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको अपनी सिचुएशन यानी स्थिति बतानी है, प्लेस बताना है, एड्रेस, ये सब था। ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑब्जेक्टिव बताने थे, और थर्ड लाइबिलिटी क्लॉज भी मैंने करा दिया था, जिसमें लाइबिलिटी बतानी थी, भाई गारंटी है या लिमिटेड बाई शेयर है। चलिए इससे आगे हम डिस्कस करते हैं। अब आता है कैपिटल ऑफ क्लॉजेस, ठीक है, यानी कैपिटल के बारे में। यहाँ ऑथोराइज कैपिटल कि कितनी आप भाई ऑथोराइज कैपिटल यहाँ शो कर रहे हैं। देखिए, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कौन सी कंपनी जिसके शेयर कैपिटल है, इट इज नेसेसरी दैट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट मेंशन दैट एज टू व्हाट विल बी दी ऑथोराइज कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ जरूरी हो जाता है मेंशन करना कि ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी कंपनी की, एंड इन व्हाट मैनर द शेयर विल बी डिवाइडेड, और शेयर कैसे डिवाइड होंगे, ये सब कुछ मेंशन करना होता है। ठीक है, कैपिटल क्लोज में क्या मेंशन करना होता है, कैपिटल मतलब ही कैपिटल शो करना है, ऑथोराइज कैपिटल ही मेन है इसमें। यहां पर शो करना होता है कि ऑथोराइज कैपिटल कंपनी की कितनी होगी और कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड है, मीन शेयर कैसे डिवाइड होंगे, ये सब यहाँ पर गिवन होता है, देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट में शो करना होता है, यानी कौन सा डॉक्यूमेंट, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी की कैपिटल जो है 10 करोड़ है, शेयर्स कैपिटल की वो कह रही है भाई 10 करोड़ तक हम अरेंज करेंगे, और इसको डिवाइड भी कर दिया उसने 1 करोड़ शेयर ऑफ 10 each। ठीक है, यानी एक शेयर जो है इट डिवाइड इंटू 1 करोड़ शेयर ऑफ 10 each, इसने 1 करोड़ शेयर 10 each के डिवाइड कर दिए। ठीक है, इसके बाद इट वुड नॉट बी नेसेसरी टू मेंशन डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर बिकॉज इट डिटेल आर मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब उसने भाई शो कर दिया है कि डिवाइड कर दिए 1 करोड़ के जो शेयर है वो 10 rupees each होंगे, उसने वो शो कर दिए। इसके बाद अब जितने भी शो करें, मान लीजिए 10 का शो करा है, 100 का शो किया है, 50 का शो किया है, जैसे भी शो किए हैं, अब अगर जारी किए जाएंगे तो उसी रेट में जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो इट विल नॉट बी नेसेसरी टू मेंशन डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर बिकॉज डिटेल आर मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये विभिन्न क्लास जारी कर दी है कि 10 के 10 each बेचा जाएगा शेयर्स। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के शेयर नहीं बेच सकते जो कि आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिटेल नहीं दी थी, आप केवल उसी के अकॉर्डिंग शेयर को सेल करेंगे जो कि मेमोरेंडम एसोसिएशन में आपने क्लास को शो किया था, क्लास जैसे कि 10 each है या 100 each है, ये सब। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ शेयर एंड कोरोस्पोंडिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर शुड बी गिवन इन आर्टिकल, और इसके अलावा भाई कि कैसे कैसे शेयर जारी किए जाएंगे, ठीक है, अंडरराइटर की भी हेल्प ले रहे हैं, क्या कमीशन का प्रावधान है, सब कुछ प्रोस्पेक्टस जारी कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ शेयर, शेयर को डिवाइड करने से रिलेटेड और शेयर होल्डर के क्या राइट है, सब कुछ इस आर्टिकल में गिवन होता है। अ कंपनी इन इट्स लाइफ टाइम कैन नॉट इशू शेयर बियॉन्ड इट रजिस्टर्ड और ऑथोराइज कैपिटल, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी अपने जीवन काल में ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा के शेयर कभी भी इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, कंपनी अपने जीवन काल में ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा शेयर इशू कभी नहीं कर सकती, शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकती। अगर ज्यादा करना चाहते हैं तो स्पेशल इसे रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये कर सकती है, प्रावधान है चेंज करने का, लेकिन फिर वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी इसे लीगल। तो आगे देखिए, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ शेयर इन मेमोरेंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ शेयर और शेयर होल्डर के राइट सब कुछ गिवन होते हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड या ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड भी बोला था मैंने, इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं, लाइफ टाइम कैन नॉट इश्यू, इससे बियॉन्ड नहीं कर सकती जब तक स्पेशल ऑल्टर नहीं कराया जाए, स्पेशल इसमें चेंजेस नहीं करवाती, तब तक इससे ज्यादा के तो जारी कर ही नहीं सकती। एवरी पर्सन साइन द मेमोरेंडम एसोसिएशन हैज टू टेक मिनिमम 1 share each, और हर एक पर्सन को, जैसे कोई अगर डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, वो जो मिनिमम शेयर होल्डर जो कंपनी को शुरू कर रहे हैं, जैसे प्राइवेट को 7 शुरू कर रहे हैं और प्राइवेट पब्लिक के लिए 7 है मिनिमम के लिए और प्राइवेट के लिए 2 है, तो उनके साइन होने जरूरी है। तो यह है कैपिटल ऑफ क्लोज। इसके बाद आता है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज क्या है। तो देखिए, दिस इज दी, क्योंकि दिस इज दी लास्ट, बेटा ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये तो
जरूरी है सभी कंपनियों के लिए, चाहे वो कोई भी कंपनी है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस की बात आएगी तब मेन रूप से वो सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ ये जरूरी है तो उसके साइन होने जरूरी है हर एक पर्सन के। अब आता है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन ही सब्सक्राइब कैपिटल, जो सब्सक्रिप्शन करेंगे कितना करेंगे, ठीक है, यानी जारी करेंगे। क्योंकि मान लीजिए ऑथोराइज कैपिटल 10 करोड़ के, तो 10 करोड़ के ही शेयर जारी नहीं किए जाते, इससे कम के ही जारी किए जाते हैं, ठीक है, जितनी जरूरत होती है। दिस इज द लास्ट क्लोज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन साइन दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। व्यक्तियों का समूह जो यहाँ बना हुआ है, मेंबर्स बने हुए हैं इनके, ये सभी साइन करते हैं मेमोरेंडम एसोसिएशन पर। इन दिस क्लोज पर्सन साइनिंग दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सप्रेस देयर इंटेंशन टू एस्टेब्लिश दी कंपनी। इस क्लोजेज में जो भी पर्सन साइन कर रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर, वो एक्सप्रेस करता है अपना इंटेंशन कि किस उद्देश्य से कंपनी की स्थापना की गई है। जो मेंबर कंपनी को शुरू कर रहे हैं, ठीक है, मेंबरशिप में आ रहे हैं, तो वो अपनी इंटेंशन को शो करते हैं कि किस उद्देश्य से कंपनी को स्टैब्लिश किया गया। दिस क्लोज इज रिटन इन दी फॉलोइंग मैनर, निम्नलिखित प्रकार से इसको रिटन में भी शो किया जाता है, ठीक है। जैसे हम फॉलोइंग पर्सन है, हमारा ये नेम है, एड्रेस है, और हम पूरे इच्छा के साथ कंपनी की सारी लोग जो भी है परसुएंस पूरा पालन कर रहे हैं, लोग के अकॉर्डिंग जो भी बातें हैं, और एग्री है इसमें ऐड होने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, एक रिटर्न रूप से फॉलोइंग मैनर से ये शो कर सकते हैं अपने साइन को, अपने इंटेंशन को। तो ये कहलाया जाता है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो यहाँ पे बेटा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी मेमोरेंडम एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या क्लोजेज आते हैं। तो कैपिटल क्लोज में बता चुकी हूँ, ऑथराइज कैपिटल के बारे में आपको बताना, ऑथराइज कैपिटल कितनी है। एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन कैपिटल में मीन्स विभिन्न व्यक्तियों के जो एसोसिएशन, एक संघ व्यक्तियों का समूह, तो विभिन्न व्यक्तियों का जो समूह है उनके जो साइन हो रहे हैं पूरी मर्जी से कर रहे हैं, कितना सब्सक्रिप्शन करेंगे, ठीक है, कितने सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स कितना जारी करेंगे शेयर्स को, उनमें से क्या लिमिट रखेंगे, 10 ईच है, 100 ईच है, किसने कितना खरीदा है, पूरी इच्छा से ये इसमें ऐड हो रहे हैं, सब कुछ इसमें शो करना होता है। ये कहलाई जाती है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज, क्योंकि इन्होंने बेटा सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब यानी आवंटन दिया, आवेदन दिया, आवेदन मतलब ऐड हुए मेंबर के रूप में, ठीक है। तो ये कहलाया जाता है सब्सक्रिप्शन क्लोज। इसके बाद आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज दी सेकेंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है विच इज प्रिपेयर बाय दी प्रोमोटर, जो प्रोमोटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। प्रोमोटर कौन, जो कंपनी को स्थापित करने के लिए, कंपनी के फॉर्मेशन के लिए सोचता है, सोचना ही प्रोमोटर नहीं है, सोचने के बाद उसको स्टैब्लिश भी करता है, वो कहलाया जाता है प्रोमोटर। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है प्रोमोटर द्वारा फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इट इज प्रेजेंट बिफोर द रजिस्ट्रार अलोंग विद अदर डॉक्यूमेंट। अदर डॉक्यूमेंट के साथ, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उस डॉक्यूमेंट के साथ इसे भी रजिस्ट्रार के सामने शो किया जाता है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करेंगे। इसमें क्या क्या शामिल हो गया अभी हम आगे देखेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर किया जाएगा कंपनी एक्ट 2013 और मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ कंपनी के अकॉर्डिंग। उसमें क्या शो किया, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव शो किए जाते हैं और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप इसको प्राप्त कैसे करोगे, ये शो किए जाएंगे, रूल आएंगे इसमें, रूल क्या क्या रूल शो होंगे, तो ये सब। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बेस पर, ठीक है, जो उसके ऑब्जेक्टिव होंगे, जो वहां डिटेल होगी, उसको फॉलो कैसे कर रहा है, कुछ रूल जो हम शो करेंगे वो किस में जाएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो देखिए, इट इज एन असिस्टिंग डॉक्यूमेंट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, ये एक सहायक डॉक्यूमेंट है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन, इसमें इंटरनल रूल होते हैं कंपनी के, विच कैन बी सेड एज असिस्टिंग रूल ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, जो रूल को बताता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद आता है
इन दिस डॉक्यूमेंट रूल रेगुलेशन कि क्या ऑब्जेक्टिव आप प्राप्त करोगे, जो मेमोरेंडम एसोसिएशन में कैसे प्राप्त करोगे, रनिंग द अफेयर ऑफ कंपनी स्मूथली और कैसे कंपनी को चलाओगे, सब स्टेट होती है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फिक्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, कंपनी के ऑब्जेक्टिव फिक्स करता है, ये पीछे डिस्कस किया। आर्टिकल बताता है कि कैसे इसको प्राप्त किया जाएगा, तो ये कहलाया जाता है बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इसके बाद आता है मेमोरेंडम एसोसिएशन फिक्स करता है फंक्शन, कंपनी को करना क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि उस कार्य को कैसे किया जाएगा, क्या स्ट्रक्चर, इंटरनल रूल, रेगुलेशन, राइट विभिन्न पार्टी के शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर सब के यहाँ पर शो होते हैं, ये कहलाया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सिंपल वर्ड में कहें आप, बस ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, आप ये लिख लीजिएगा नोटबुक में, और लर्निंग के लिए भी ये बहुत है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वह डॉक्यूमेंट है कंपनी का जिसमें रूल्स गिवन होता है, इंटरनल मैनेजमेंट यानी इंटरनल जो हमें मैनेजमेंट करना है वो कौन बताएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आप ये कह सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाहर का है, बाहर पार्टी से कॉन्टैक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करता है, ठीक है। मेमोरेंडम एसोसिएशन में बाहर के व्यक्ति आते हैं, उन सबको हमें ऐड करते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है इंटरनल, यानी संस्था के अंदर ये फ्लो होगा, ठीक है, इकोनॉमी में, सॉरी ये कंपनी में ही फ्लो होगा सब कुछ, जो रूल रेगुलेशन है वो कंपनी के लिए, कंपनी कैसे पूरा करेगी वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रिलेशन बाहर से है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रिलेशन देखिए बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इसका रिलेशन इंटरनल से है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रिलेशन किससे है, एक्सटर्नल से, ठीक है। ये बाहरी डॉक्यूमेंट कहलाया जाता है, यानी इसमें रिलेशन बाहर वाले व्यक्तियों से होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंटरनल, यानी इसमें इंटरनल रूल कंपनी के अंतर्गत जो फॉलो किए जाएंगे उसको शामिल किया जाता है। अब आता है कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या क्या कंटेंट इसमें शामिल है, ध्यान से देखिएगा। Association, all such things are stated which have a bearing on the company, internal management and administration. इसके अंतर्गत सारे internal management, administration सब rules शामिल हैं। Generally, every company prepare article of association according to its requirement. Company जो है article of association को बनाती है अपने requirement के according. So, the content of article of association for different company may be डिफरेंट, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसलिए डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो बेटा इंटरनल रूल है उसको शो किया जाता है। टेबल एफ कंसीडर टू बी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, टेबल एफ को भी यूज किया जा सकता है, इसके प्लेस पर टेबल एफ यूज की जा सकती है। उसमें भी क्या होगा, कुछ नहीं, सब कुछ स्ट्रक्चर गिवन होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, इतने ज्यादा डिटेल नहीं जितने अब यहाँ गिवन है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस रूल एंड सब रूल सब प्रिपेयर किए जाते हैं, विभिन्न पॉइंट यहाँ पर गिवन है इसमें क्या क्या शामिल होता है। देखिए सबसे पहले मोड ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ प्रिलिमरी कॉन्ट्रैक्ट, कि किस तरीके से प्रिलिमरी कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफिकेशन यानी एक्शन, क्या आप एक्शन लोगे, ये शामिल होता है। दूसरा डिविजन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ शेयर एंड राइट ऑफ शेयर होल्डर, विभिन्न प्रकार के क्या शेयर के टाइप बताने हैं और शेयर होल्डर के राइट ये बताने हैं। कैसे इश्यू करना है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर कैसे जारी करोगे, मान लीजिए फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल है, ठीक है 10 का ईच है, तो फर्स्ट कॉल कैसे आप मंगाओगे, ठीक है 2 रुपीज शुरू में मंगा रहे हैं, फिर 3 रुपीज आप मंगा रहे हैं, फिर 5 रुपीज मंगा रहे हैं, ये सब आपको क्या किया जाता है, शो किया जाता है। अब आता है फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मान लीजिए जो मेंबर है, जो भी मेंबर ऐड हुए हैं मिनिमम भाई वो कितना अमाउंट ऐड कर रहे हैं, ये सब इसमें जारी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है मेथड ऑफ इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, कैसे आप शेयर सर्टिफिकेट के मेथड जारी करेंगे, क्योंकि शेयर इशू करेंगे तो सर्टिफिकेट है उसके लिए क्या मेथड होगा। रूल्स रिगार्डिंग कॉल ऑन शेयर, कॉल ऑन शेयर यानी मंगाना,
शेयर पर कोल कैसे मंगाएंगे, इससे रिलेटेड यहाँ पे रूल सब गिवन होता है। कोल यानी वही फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ये सब फर्स्ट सेकंड कॉल ये सब मैं बता चुकी हूँ। 10 रुपीज आपको देने हैं, शुरू में 2 रुपीज मंगाए, फिर 3 रुपीज मंगाए, बाकी लास्ट कॉल हो गई, ये सब कहलाया जाएगा रूल्स रिगार्डिंग कॉल ऑन शेयर। इसके बाद मोड ऑफ इंक्रीज डिक्रीज रिस्ट्रक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अगर हमें इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, कम करनी है या दोबारा, ठीक है, जैसे ऑथराइज कैपिटल है उसको दोबारा रिइंस्ट्रक्शन करना है, तो वो किस तरीके से हम करेंगे, सब कुछ यहाँ गिवन होगा। सबकी सहमति से मीटिंग ली जाएगी, फिर ऑथोराइज कैपिटल में क्या किया जाएगा, चेंजेस किया जाएगा। पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है, जो अंडरराइटिंग है तो उसका क्या पेमेंट होगा, अंडरराइटिंग कमीशन जो अंडरराइटर होते हैं, ठीक है, अंडरराइटर क्या को क्या देना पड़ता है, कमीशन, तो वो कहलाया जाता है अंडरराइटिंग कमीशन। पेमेंट ऑफ कमीशन ब्रोकरेज ऑन शेयर एंड डिबेंचर, भाई पेमेंट ऑफ कमीशन, कमीशन है, शेयर डेप जारी किए हैं तो कमीशन देना होता है, या ब्रोकरेज चार्जेस, ठीक है, या ब्रोकर की आप हेल्प ले रहे हैं तो उसकी क्या कैसे पेमेंट करनी है, किस तरीके से पेमेंट करनी है, और कौन इसमें ऐड हो गए, कितने आप हेल्प ले सकते हो संस्थाओं की, सब कुछ गिवन होता है। इसके बाद आता है कंसोलिडेशन एंड डिवीजन ऑफ शेयर। कंसोलिडेशन मतलब एकत्रीकरण, यानी शेयर को एकत्रित करना, ठीक है, तो शेयर है बेटा जारी तो कर दिए, वापस भी तो लिए जाते हैं, ठीक है, तो कैसे उसको हम एकत्रित करेंगे या फिर कैसे डिवीजन करेंगे, टोटल शेयर कैपिटल कितनी रखेंगे, यानी वही ऑथोराइज कैपिटल, फिर डिवीजन ऑफ शेयर, शेयर को कैसे डिवाइड करेंगे, 10 का 1 है, 100 का है, ये सब। इसके बाद आता है रूल्स रिगार्डिंग मीटिंग ऑफ कंपनी। यहाँ से देखिए कंपनी की मीटिंग से रिलेटेड रूल्स, ठीक है, कि कब कब मीटिंग करेगी, शेयर होल्डर की मीटिंग है, ठीक है, या एनुअल जनरल मीटिंग है, साल में एक बार है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड रूल्स कौन कौन शामिल होंगे उसमें। इसके बाद आता है कोरम। कोरम क्या होता है, ये भी मीटिंग का पार्ट ही है, ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्टर की मीटिंग आती है, ये जो है कोरम। कोरम क्या होता है, डायरेक्टर की मीटिंग आप कह सकते हो, जिसमें डायरेक्टर क्या करते हैं, मीटिंग, ठीक है, इसे बोलते हैं कोरम। अब आता है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट मतलब सस्पेंडिंग अ मीटिंग, इसका मतलब होता है सस्पेंडिंग अ मीटिंग, यानी मान लीजिए कोई मीटिंग है लेकिन अभी फिलहाल अभी हमने उसको पोस्ट अभी फिलहाल समाप्त करके आगे कोई डेट हमने शो कर दी, उसे बोलेंगे एडजॉर्नमो मीटिंग, ठीक है। प्रोक्सी, प्रोक्सी आपको पता है किसी के स्थान पर कोई दूसरा आ जाना, ठीक है। इसके बाद है पोल, पोल यानी मतदान, क्योंकि मीटिंग है तो वहां बेटा मतदान भी देते हैं, यानी अपना डिसीजन देते हैं, और चेयरमैन, इनके रिलेटेड ये कैसे कैसे मीटिंग करेंगे, क्या रूल है, ये सब शो किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर है, उसकी पावर है, ड्यूटी है, रिम्यूनरेशन है, सब कुछ शो किया जाता है। ऑडिटर यानी जो अंकेशन करता है, अकाउंट संभालता है, कौन अपॉइंट होगा, क्या उसको पावर मिलेगी, क्या उसका वेतन होगा, सब कुछ। प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ दी मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, कौन कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, उनकी क्या पावर होगी, सब कुछ गिवन होता है। कॉमन सील कैसे रूल, ठीक है, कैसे उसको यूज किया जाना है, कैसे कीपिंग एंड राइटिंग बुक ऑफ अकाउंट कैसे रखना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट यानी कैपिटलाइजेशन पूंजीकरण, पूंजीकरण कराया जाता है टोटल जो कैपिटल है लॉन्ग टर्म की, ठीक है, यानी मान लीजिए टोटल कैपिटल है उसका प्रॉफिट का क्या प्रावधान किया है, कैसे उसको डिवाइड किए करेंगे। प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर रेशियो ऑफ शेयर, फॉरफीचर यानी वापस ले लेना, जब्त कर लेना शेयर कहलाया जाता है, वापस ले लिया हमने, ठीक है, मान लीजिए किसी ने भाई शेयर के पैसे नहीं दिए तो हम वापस ले लेंगे, ठीक है, या रीइश्यू लेकर फिर एक बार और जारी करा है दोबारा, तो उसे कहलाया जाता है। रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल यानी प्रस्ताव, कोई भी कौन प्रस्ताव रखा है तो क्या रूल है, किस तरीके से उसको फॉलो करना है। वोटिंग राइट क्या है, पावर क्या है, अगर लोन लेते हैं किस लिमिट तक हम लोन ले सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर क्या है। डिक्लेरेशन, डिविडेंड, रूल्स पेमेंट, ठीक है, रिजर्व फंड, रिजर्व में भी बोलते हैं, रिजर्व में भी रखा जाता है कुछ मनी। इसके अलावा प्रेसर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, अगर खत्म हो जाती है तो क्या प्रक्रिया उस वक्त यूज करनी है, ये सब कुछ गिवन होता है किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब ये कला इसके अब आता है नेक्स्ट, इसमें डिफरेंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है। बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बता दिया है जिसमें क्या शो किया जाता है ऑब्जेक्टिव, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या शो किए जाते हैं, रूल शो किए जाते हैं, तो यही इसका क्या जाता है मेन डिफरेंस। फर्स्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है ऑब्जेक्टिव, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन
इसको प्राप्त करने के लिए रूल्स बताते हैं, फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, ये वाइटल डॉक्यूमेंट है। ये क्या है? वाइटल डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, जब तक ये नहीं बनेगा तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये तब बनेगा जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाएगा। इट डिफाइन दी रिलेशनशिप बिटवीन दी कंपनी एंड दी आउटसाइडर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मैंने कहा था ना, एक्सटर्नल पार्टी के साथ इसका रिलेशन है, तो रिलेशनशिप बताता है कंपनी एंड दी आउटसाइडर। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर एंड दी कंपनी। किसके बिटवीन बताता है? मेंबर और कंपनी के बिटवीन रिलेशन को बताता है। यानी ये इंटरनल हो गया ना, इसका रिलेशन इंटरनल हो गया, मेमोरेंडम का रिलेशन क्या हो गया? एक्सटर्नल, इसलिए इसका रिलेशन आउटसाइडर के साथ है। और आर्टिकल का मेंबर, मेंबर कौन है? जो शेयर होल्डर है, जो कंपनी को चला रहे हैं, वही कहलाए जाते हैं मेंबर। मेंबर और यानी मेंबर कहाँ काम करे? कंपनी में ही है ना, कंपनी का समूह बनाए, कंपनी में एक समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो मेंबर और कंपनी का रिलेशन बताता है कौन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अलावा जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, फिर बता देती हूँ, एक्सटर्नल यानी आउटसाइडर के साथ रिलेशन, आर्टिकल ये मेंबर के साथ रिलेशन, या आउटसाइडर और यहाँ क्या आना है? मेंबर। तो ये कराया जाता है बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या अंतर है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, वैलिडिटी। The activity beyond the power of memorandum association are not considered to be performed by company and even all the member cannot rectify them. जो भी activity और power जो memorandum association में एक बार दर्ज हो गई हो, अब उसके beyond कोई नहीं जा सकता, ठीक है। Are not considered to be performed by company, इससे बाहर कोई भी power वो use नहीं कर सकती, कौन? Memorandum of association। इसके बाद आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक्टिविटी बियॉन्ड द पावर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर ऑल्सो वॉइड। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी बियॉन्ड द पावर ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर ऑल्सो वॉइड। ये अवैध होती है, कोई भी एक्टिविटी बियॉन्ड द पावर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर ऑल्सो वॉइड, तो ये अवैध मानी जाती है। जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो पावर है उसके बाहर कोई करते हो तो अवॉइड। ऐसे ही यहाँ पर मेमोरेंडम एसोसिएशन में अगर कोई भी पावर है उसके बाहर आप कोई कार्य करते हैं तो वो भी अवैध मानी जाती है, ठीक है। कोई भी मेंबर उससे बाहर कोई कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यहाँ पे। लेकिन बट देयर रेटिफिकेशन इज पॉसिबल बाय दी मेंबर, लेकिन इसमें सुधार शामिल है, इसमें कुछ चेंजेस शामिल है। ये तो इंटरनल है, अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हो। यहाँ पर आप चेंजेस नहीं कर सकते, कैन नॉट रेटिफाई, यहाँ कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। यहाँ तो स्पेशल आपको एक मीटिंग बैठानी पड़ेगी, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप जो है इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर चेंजेस काफी हद तक शामिल है, यहाँ नहीं है। अब आता है नेसेसिटेट्स, प्रिपरेशन इज नेसेसरी टू गेट दी कंपनी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड। इसको प्रिपेयर कराना जरूरी होता है क्योंकि इसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। और इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर, जरूरी नहीं है इसको प्रिपेयर कराएं। इट फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन द एब्सेंस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के उसमें अगर मान लीजिए वो ये यूज नहीं करती है तो इसके प्लेस पर टेबल एफ को क्या कर सकती है? अप्लाई, बट इज नेसेसरी फॉर प्राइवेट कंपनी के लिए नेसेसरी है वो टेबल एफ नहीं, वो क्या यूज करेगी? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आता है अल्टरेशन, इट कैन नॉट बी इजली अल्टर, इसमें जल्दी से अल्टर नहीं कराया जाता। मैनी मैटर रिक्वायर अप्रूवल ऑफ कोर्ट, अगर कुछ भी अल्टर कराना पड़े तो इसके लिए क्या लेना पड़ता है? कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर इट कैन नॉट बी इजली अल्टर बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन विभिन्न प्रस्ताव पास करके सब मीटिंग करके एक साथ मत देकर इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये है अंतर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसके बाद आता है प्रोस्पेक्टस। क्या है प्रोस्पेक्टस बेटा? थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये इंपॉर्टेंट है केवल पब्लिक कंपनी के लिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टस वही जारी करेगा जो कि जनरल पब्लिक को क्या देते हैं? शेयर जारी करते हैं। तो देखिए प्रोस्पेक्टस क्या है? The prospectus is the third important document in relation to the formation of company. Company के formation में ये third important document है. Prospectus issued by a public
कंपनी टू ऑब्टेन मनी फ्रॉम दी पब्लिक। प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है पब्लिक कंपनी द्वारा, ध्यान दीजिएगा केवल पब्लिक कंपनी जारी करती है, ताकि पब्लिक से मनी क्या जारी क्या कर सके, ऑब्टेन कर सके। द प्रमोटर ऑफ कंपनी जनरली इशू प्रोस्पेक्टर आफ्टर ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो प्रमोटर होता है कंपनी का वो जनरली क्या इशू करता है, प्रोस्पेक्टस, ठीक है, आफ्टर ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी का तो प्रमोटर क्या करता है, अब इशू करता है प्रोस्पेक्टस, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब जब कैपिटल जारी की जाएगी, कैपिटल जारी करने के लिए क्या जारी करेगा, पहले प्रोस्पेक्टस, जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस जारी करेगा, उसके बाद शेयर्स जारी करेगा। इन फैक्ट इट इज द चीफ सोर्स ऑफ अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द पब्लिक रिगार्डिंग द बर्थ ऑफ कंपनी। ये चीफ सोर्स है, किसका चीफ सोर्स है, अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ पब्लिक, पब्लिक का अटेंशन को अट्रैक्ट करने का, रिगार्डिंग द बर्थ ऑफ कंपनी, कंपनी का बर्थ हो चुका है, अब आप यहाँ आ सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, उनको इन्वाइट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इन दिस वे प्रोस्पेक्टस एक एडवर्टाइजमेंट हो गया कंपनी का। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट पावर टू इशू अ प्रोस्पेक्टर वेस्ट ओनली इन अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। जो प्रोस्पेक्टस होता है, अब कोई भी पावर जो कि किस प्रकार से इशू करना है, ये सब प्रोस्पेक्टस में गिवन होता है कि किस किस तरीके से जारी किए जाएंगे, और फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, कितने रुपए का ईच, सब कुछ गिवन होता है प्रोस्पेक्टस में। अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस इमिडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी तुरंत शुरू कर सकती है बिजनेस जैसे ही क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड हो जाती है, बट फॉर पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी हो जाता है, इट इज नेसेसरी टू कलेक्ट करना कैपिटल। इफ अ पब्लिक कंपनी कलेक्ट कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक इट विल हैव टू इशू द प्रोस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि उसने बेटा ऑथोराइज कैपिटल रखी है, जनरल पब्लिक को इन्वाइट करेगी तो इसके लिए वो शेयर जारी करेगी, और शेयर जारी करेगी, शेयर जारी करने से पहले उसे क्या जारी करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस। तो इंपॉर्टेंट टर्म बन जाती है ये, कौन सी कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट के लिए जरूरी नहीं है, पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी होता है प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस भी जारी नहीं करती तो इसकी एक स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को जारी करती है, अगर प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती तो इसकी स्टेटमेंट, जैसे अभी बताया था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है आप वो जारी नहीं करते तो उसके प्लेस पर टेबल एफ यूज कर सकते हो, ठीक है, वो भी इसका एक सब्स्टिट्यूट हो गया। ऐसे ही अगर प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर रहे तो उसकी एक स्टेटमेंट देनी होती है रजिस्ट्रार को, स्टेटमेंट में भी वही लिखा होता है जो प्रोस्पेक्टस में, बस डिटेल कम होती है, मेन मेन टर्म होती है। चलिए अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोस्पेक्टस, क्यों प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, टू इन्वाइट द पब्लिक टू परचेज शेयर एंड डिबेंचर। पब्लिक को इन्वाइट करने के लिए, ताकि शेयर डिबेंचर को परचेज वो करे, इन्वाइट लोगों परचेज करे, उन्हें इन्वाइट करने के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। To give detail of those condition on which invitation to purchase share debenture is given to the public. सारी condition यहाँ given होती है कि किन किन condition के अंतर्गत share debenture को, किस condition, किन शर्तों के अंतर्गत आप इनको क्या कर सकते हैं, purchase कर सकते हैं, purchase करने के लिए क्या procedure है, सब कुछ given होता है। वो क्या right है, आपको क्या right मिलेगा, सब कुछ given होता है। To declare that the promoter will be liable for the information contained in the prospectus. To declare that the promoter will be liable for the information contained in the prospectus, और जो भी prospectus में information होती है उसके लिए जो promoter है वो क्या, जो यानी संस्था को स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या वो ही इसके लिए liable होते हैं। तो ये कहलाया जाता है objects of prospect, यानी क्या क्या उद्देश्य है prospect के। अब आता है need of prospect, क्यों जरूरत है प्रोस्पेक्टस की। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस, हालांकि जरूरी नहीं होता कि हर एक कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करें। अ रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज ऑन अ प्राइवेट कंपनी टू ऑफर फॉर सेल, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो जारी नहीं करती, ठीक है, जनरल पब्लिक को शेयर डिबेंचर टू द पब्लिक, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट इशू, इसलिए वो प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती, बट फॉर पब्लिक कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, देखिए क्या लिखा हुआ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जो लिमिटेड बाय शेयर यानी जो हम भाई हम जनरल पब्लिक हैं, हम अगर शेयर में पैसे दे रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड ही है, तो जो लिमिटेड बाय शेयर है, ठीक है,
अगर कोई कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रही है तो वो कौन सी हो सकती है? लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, क्योंकि उसमें जो भी शेयर होल्डर बनेगा उसकी लायबिलिटी लिमिटेड ही होगी। अब आता है गारंटी। तो बेटा गारंटी ये जनरली प्राइवेट और जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है वो प्राइवेट कंपनी के लिए यूज की जाती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो जनरली लिमिटेड बाय शेयर ही होती है। इट इज नेसेसरी बिफोर इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस, जरूरी हो जाता है कि प्रोस्पेक्टस इशू करें, ठीक है, जब भी शेयर जारी करती है। लेकिन इट इज नेसेसरी बिफोर इशू अ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटिंग शेयर टू फॉरवर्ड अ प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखिए, प्रोस्पेक्टस जारी करने से पहले उसे रजिस्ट्रार को इसकी कॉपी देनी होती है, या तो प्रोस्पेक्टस फॉरवर्ड करे या उसकी किस स्टेटमेंट, किसको? रजिस्ट्रार को। जनरल पब्लिक को जारी करने से पहले रजिस्ट्रार को या तो प्रोस्पेक्टस देती है या उसकी क्या देती है, एक स्टेटमेंट। इफ अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर रिसीव द कैपिटल फ्रॉम दी पब्लिक, जो लिमिटेड बाय शेयर है अगर रिसीव करती है कैपिटल फ्रॉम दी पब्लिक से, इट इज नेसेसरी फॉर इशू अ प्रोस्पेक्टस, तो उसे जरूरी हो जाता है प्रोस्पेक्टस जारी करना। और प्रोस्पेक्टस जारी करने से पहले रजिस्ट्रार को देती है इसकी इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रार के पास शो करती है। अगर प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर रही तो इसकी स्टेटमेंट शो करती है, ये ध्यान दीजिएगा। बट द प्रोमोटर ऑफ दोज कंपनी हु कैन कलेक्ट कैपिटल फ्रॉम देयर पर्सनल सोर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर जो प्रमोटर है कंपनी के, हु कैन कलेक्ट कैपिटल फ्रॉम देयर पर्सनल सोर्स, अगर वो पर्सनल सोर्स से कैपिटल कलेक्ट कर लेते हैं और जनरल पब्लिक को फिलहाल अभी इंक्लूड नहीं कर रहे, वैसे तो जनरल पब्लिक इसमें शामिल है, उसको शेयर जारी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत के समय अगर वो पर्सनल सोर्स को यूज कर रहे हैं तो वो प्रोस्पेक्टस अभी फिलहाल जारी नहीं करते, जारी तब करेंगे जब जनरल पब्लिक को इनवाइट करेंगे। बट दे हैव टू सेंड अ स्टेटमेंट इन लियो ऑफ इट, और इसके संदर्भ में भी स्टेटमेंट देनी होती है रजिस्ट्रार को कि फिलहाल अभी वो अपनी ही पर्सनल असेट्सों को यहाँ यूज कर रहे हैं, जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर रहे, तो इसके बारे में भी रजिस्ट्रार को क्या देनी होती है, सूचना देनी होती है, इसके बारे में भी बताना होता है। तो ये है बेटा नीड ऑफ प्रोस्पेक्टस, एक बार प्रोस्पेक्टस रिवाइज करा देती हूँ, बाकी जो इसका कंटेंट है हम कल डिस्कस करेंगे। प्रोस्पेक्टस थर्ड मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये जो पब्लिक कंपनी है वो जारी करती है, जो जनरल पब्लिक को क्या करेगी, इनवाइट करेगी। प्राइवेट कंपनी नहीं करती क्योंकि वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करती नहीं है। तो यहाँ पर मेन जो दो तीन बातें वो बता देती हूँ मैं। प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को जारी करने से पहले किसके पास शो करना होता है, रजिस्ट्रार के पास। अगर प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करी तो इससे संदर्भ में एक स्टेटमेंट जो है देनी पड़ती है किसको, रजिस्ट्रार को। अगर मान लीजिए प्रोस्पेक्टस क्यों जारी किए जाते हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक से मनी लेना चाह रही है। अगर जनरल पब्लिक से फिलहाल अभी मनी नहीं लेना चाह रही, अपनी ही कोई पर्सनल असेट्स यूज कर रहे हैं मेंबर सारे मिलकर, ठीक है, वो जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहे अभी, वही जो है यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए रजिस्ट्रार को क्या देनी पड़ती है, इसके लिए भी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो यह है बेटा प्रोस्पेक्टस, और इससे रिलेट इसके अलावा मैंने अंतर बता दिए हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बेटा ये तीनों मेन डॉक्यूमेंट हो गए हैं, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, और थर्ड है प्रोस्पेक्टस। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, ये इसकी सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अदरवाइज नहीं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल बताता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑब्जेक्टिव यानी कंपनी को स्थापना इसके बारे में बताता है मेमोरेंडम एसोसिएशन। ओके बेटा, आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।